अगली खबर भी जबलपुर की ही है, जहां युवक ने सुसाइड कर लिया है, फांसी लगाकर जान दे दी। युवक ने हाथ की नस काटकर दीवार पर लिखा सुसाइड नोट। सुसाइड नोट में अपने भाई से माफी मांगी है और 885 रुपए खर्च होने की वजह बताई है। कोरा बाजार थाने के कजरवारा गांव का पूरा मामला बताया जा रहा है और मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। तो यह 885 रुपए वजह बताई गई है और भाई माफ करें ये तक लिखा गया है। ऐसा लिखकर उसने सुसाइड कर लिया, नस काटकर, हाथ की नस काटकर सुसाइड किया इस युवक ने। फांसी के फंदे पर शव लटका मिला, नस काटने के बाद फांसी के फंदे पर खुद को लटकाया और आत्महत्या कर ली। सुसाइड का यह पूरा मामला है, 885 रुपए खर्च होने पर सुसाइड किया। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे रतलाम की, जहां मारपीट के मामले में कार्रवाई हुई है। आरोपी के घर पर बुलडोजर चला है, घायल बुजुर्ग की कल मौत हुई थी। नाराज लोगों ने आरोपी के घर के बाहर प्रदर्शन किया है। आरोपी सुरेश जाट का घर तोड़ने की मांग की जा रही है। प्रशासन ने अवैध कब्जे पर बुलडोजर चला दिया है। 6 आरोपी अब तक गिरफ्तार किए गए हैं और 2 फरार बताए जा रहे हैं। कंचनखेड़ी गांव की ये पूरी घटना है। प्रशासन ने कार्रवाई की है, मारपीट के मामले में आरोपी के घर पर बुलडोजर चला है। ये देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, बुलडोजर की कार्रवाई की ये तस्वीर, जहां आरोपी के घर पर ये बुलडोजर चला है। उज्जैन पुलिस ने हत्याकांड को सुलझा दिया है। पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की है। एक्सीडेंट दर्शाने के लिए शव को वाहन से कुचलवा दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चाकू के घाव मिले हैं। पत्नी समेत मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उज्जैन के नागदा इलाके की ये पूरी वारदात, जहां पुलिस ने हत्या की गुत्थी सुलझाई है और इस पूरे मामले की जानकारी जब लगी तो ये पता चला कि एक्सीडेंट दिखाने की कोशिश हुई थी, लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आया तो उसमें शरीर पर चाकू के घाव मिले हैं, जिससे कि ये समझ में आता है कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं है बल्कि सीधे तौर पर हत्या। वहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज दिल्ली जाएंगे और इंदौर से सीएम दिल्ली के लिए रवाना भी हो गए हैं। केंद्रीय नेतृत्व से सीएम मुलाकात करेंगे। दिल्ली में मुख्यमंत्री रात्रि विश्राम